हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में बताएंगे जिससे आपकी त्वचा का कालापन कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर आप ग्लोइंग स्किन, ग्लोइंग त्वचा पाने के लिए महंगे से महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इससे आपकी त्वचा थोड़ी देर के लिए तो ग्लोइंग रहती है, लेकिन वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, जिससे आपकी त्वचा में कालापन आ जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं और त्वचा रूखी हो जाती है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में बताएंगे जिससे आपकी त्वचा का कालापन दूर हो जाएगा और आप फिर से खूबसूरत नजर आने लग जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं सांवले रंग को गोरा रंग बनाने की होम रेमेडी। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले 2 चम्मच चावल का आटा लेना होगा। 2 चम्मच मैदे का आटा लेकर एक पेस्ट बनाना है। फिर आपको इस पेस्ट में 1/2 चम्मच शहद और थोड़ी मात्रा में रॉ मिल्क इसके अंदर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका एक पेस्ट तैयार करना है और अपने पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लेना है और फिर हल्के हल्के सूखने पर 15 से 20 मिनट के बाद सूखने के बाद अपने धीरे धीरे फिंगर्स की हेल्प से इसे रगड़ते हुए उतारना है। तो दोस्तों, उसके बाद इसे अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है तो आपको ये स्क्रब नहीं करना है। आपको सिंपली, अगर आपकी स्किन ऑयली है उसके लिए बहुत बढ़िया है। इस होम रेमेडी में हमने जो मैदा आटा यूज़ किया है उसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी त्वचा को बरकरार और खूबसूरत बनाए रखती हैं, जो त्वचा के डेड स्किन सेल्स और जमी हुई धूल मिट्टी को भी दूर करने में हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। चावल के आटे में प्रोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण त्वचा की टाइटनेस बरकरार रहती है। इसके अलावा शहद त्वचा में नमी बनाए रखता है और साथ ही साथ त्वचा से काफ़ी परेशानियां और झुर्रियों को भी ख़त्म करने में हमारी सहायता करता है। दोस्तों, आज हमने जाना है मैदा आटा से काली त्वचा को गोरा कैसे बनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हिट के बटन पर क्लिक ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।